आप भी चाहते हैं अपने फेसबुक की स्टोरी को डाउनलोड करना, आप कोई भी फ़ोटो पर म्यूजिक लगाकर स्टोरी लगाए हैं, कोई भी फ़ोटो पर आप अपने स्टेटस को डाउनलोड करना चाहते हैं अपने फ़ोन में जो स्टेटस आपने लगाए हैं, तो उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी म्यूजिक के साथ में और बिना किसी एप्लीकेशन वेबसाइट से, वो भी फेसबुक से जाकर आपको लाइव डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। आपको फेसबुक स्टोरी डाउनलोड करना है, व्हाट्सअप पर लगाना है, इंस्टाग्राम पर लगाना है, डाउनलोड कर किसी के पास भेजना है, तो आप म्यूजिक के साथ में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं फेसबुक स्टोरी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर ले रहा हूँ और यहाँ पर देखिए मेरा एक स्टोरी लगा है, मैं उस स्टोरी को प्ले करके दिखा रहा हूँ। स्टोरी को यहाँ पर मैं प्ले किया हूँ और इस स्टोरी को मुझे डाउनलोड करना है, तो 3 डॉट पर क्लिक करना है। आप देख लीजिएगा 3 डॉट कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा एक ऑप्शन आएगा और अर्चीव वीडियो, ठीक है, अर्चीव वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है, और सेव वीडियो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मेरा वीडियो सेव हो जाएगा। बट म्यूजिक आने का चांस बहुत ही कम रहता है, म्यूजिक नहीं आ पाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से अर्चीव वीडियो पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद ओके कर देना है, ठीक है। मैं ओके कर दे रहा हूँ, ठीक है। और देखिए मेरा इंटरनेट अभी नहीं है, मेरा इंटरनेट ख़त्म हो चुका है 1.5 GB, इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ। देखिए अर्चीव हो गया, मतलब यहाँ से मेरा फेसबुक स्टोरी हट गया, ठीक है। अब देखिए आपको अपने प्रोफाइल पे जाना है, आप यहाँ से भी क्लिक करके अपने प्रोफाइल पर जा सकते हैं। अब मैं अपने प्रोफाइल पर यहाँ पर आ जाता हूँ। प्रोफाइल पर आने के बाद देखिए एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 3 डॉट, ठीक है, 3 डॉट यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा अर्चीव, जो तीसरे नंबर पर आप ऊपर से देखिए अर्चीव का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का पेज आपको आपके सामने खुल के आएगा, स्टोरी अर्चीव। मैं स्टोरी अर्चीव पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए जो मैं स्टोरी अभी लगाया हूँ यहाँ पर मैं मतलब शो करने लगा, ठीक है। और यहाँ से आप जो भी स्टोरी को डाउनलोड करना चाहते हैं, जो भी स्टोरी को डाउनलोड करना चाहते हैं, मान लीजिए मेरा ये एक स्टेटस लगाया हूँ देखिए यहाँ पर, तो मैं इसे यहाँ पर क्लिक करूँगा। इसे एक बार आपको जो भी स्टोरी डाउनलोड करना है वो 30 दिन के अंदर में आप कर सकते हैं, ठीक है, 1 महीने के अंदर में। तो मैं यहाँ पर देखिए एक स्टोरी लगाया था आज से 3 अक्टूबर को, ठीक है, अभी 7 अक्टूबर है आज का डेट, और 3 अक्टूबर को मैंने ये लगाया हूँ स्टोरी, तो इसे मुझे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करना है तो देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, आपको इसे प्ले कर लेना है, उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करना है और सेव वीडियो पर आपको क्लिक कर देना है। सेव वीडियो पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए सेविंग हो गया, बट आपके म्यूजिक के साथ में सेव होगा, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा दे रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद मैं अपने फाइल को खोल लेता हूँ। फाइल को खोलने के बाद आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ म्यूजिक के साथ हमने जो भी म्यूजिक लगाया होगा वो म्यूजिक के साथ में मेरा वीडियो यहाँ पर डाउनलोड होके आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ वीडियो। वीडियो करने के बाद देखिए मेरा कहीं ना कहीं यहाँ पर डाउनलोड करके वो आ गया होगा। अब एल्बम आपको क्लिक करना है, देखिए मेरा फर्स्ट नंबर में फेसबुक आ रहा है, तो मैं इसे आ चुका हूँ वीडियो में। देखिए सबसे ऊपर की तरफ में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसे प्ले करके दिखा दे रहा हूँ कि म्यूजिक के साथ में मैं डाउनलोड कर लिया हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ, आप म्यूजिक सुनिएगा। तो आप सुन लिए कि यहाँ पर मेरा म्यूजिक के साथ में जो भी स्टेटस लगाया था फेसबुक पर वो डाउनलोड हो चुका है बिना किसी एप्लीकेशन के, ना ही कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का, वो भी क्वालिटी जो क्वालिटी में मैंने फ़ोटो लगाया था, मेरा फ़ोटो का क्वालिटी था, जो वीडियो का क्वालिटी था, स्टेटस फेसबुक पर लगाया था उसी क्वालिटी में मैं डाउनलोड किया हूँ और सिंपल सा तरीका मैं आपको डाउनलोड करके दिखाया हूँ। आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं फेसबुक स्टोरी को। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका हेल्प जरूर करूँगा।